नमस्कार, मैं लोकेश मेनारिया बर्ड विलेज मेनार के मधुश्याम स्टेडियम में वल्लभ नगर विधानसभा क्रिकेट महाकुंभ का आगाज रविवार को हो गया है। खिलाड़ियों की नर्सरी कहे जाने वाले इस गांव में हो रही प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विधानसभा क्षेत्र की करीब 70 टीमें पहुंची है। विजेता टीम को 1,00,000 रूपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, वही रनरअप टीम को 31,000 रूपए दिए जाएंगे। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी नवाजा जाएगा। मेनार के सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर में हो रही इस प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर अतिथियों ने मां सरस्वती और हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। वहीं इसके बाद पूर्व सरपंच ओंकारलाल बल्लावत व अन्य ग्रामीणों ने अतिथियों का परंपरागत ढंग से स्वागत कर उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किया। इस दौरान चीफ गेस्ट अखिल भारतीय मेनारिया ब्राह्मण समाज के कोषाध्यक्ष बद्रीलाल, किसान नेता सूरजमल मेनारिया, बिंडर के पूर्व प्रधान चमन शेखर सुतार, उप सरपंच मांगीलाल, पूर्व उप सरपंच शंकरलाल मेरावत, कांग्रेस नेता सुनील कुकड़ा, पूर्व सीआर निमतलाल, मेनारिया समाज के प्रतिनिधियों व अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का पूर्व सरपंच ओंकारलाल बल्लावत और स्थानीय ग्रामीणों ने परंपरागत रूप से स्वागत करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए। अतिथियों ने इस दौरान कहा कि खेल में टीम की हार जीत तो होती रहती है, खेल कभी भी नहीं हारना चाहिए। उनके कहने का तात्पर्य यही था कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। इसके बाद चीफ गेस्ट समेत अन्य अतिथियों ने विधिवत तौर पर प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा की और प्रतियोगिता का ध्वज फहराया। कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय मेनारिया नागदा ब्राह्मण समाज आज दिनांक 27/5/2023 रविवार को 10 दिवसीय विधानसभा क्रिकेट महाकुंभ के उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। भारत माता की अतिथियों के द्वारा आज इस फ्लैग होस्ट किया जा रहा है। फ्लैग होस्टिंग के साथ ही जोरदार ताली से जहां भी जो इस मैदान में जितने भी खिलाड़ी मौजूद है वो तालियों से स्वागत करें। इस फ्लैग होस्ट के साथ में ही इस टूर्नामेंट के उद्घाटन की घोषणा की जाती है। 10 दिवसीय ये प्रोग्राम जिसमें 65 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी और निमड़ी वर्सेस बरोड़िया 82। आज का जो उद्घाटन मैच खेला जाएगा वो निमड़ी वर्सेस बरोड़िया के तो अतिथि। ध्वजारोहण के बाद क्रिकेट मैदान की पिच पर विभिन्न अतिथियों ने बॉल उछालकर प्रतियोगिता का मैदानी शुभारंभ भी किया। समारोह में विभिन्न टीमों के खिलाड़ी, मेनार गांव के खेल प्रेमी और विभिन्न जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच बरोड़िया और निमड़ी के मध्य खेला गया, जिसमें बरोड़िया टीम ने टॉस जीतते हुए पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। बरोड़िया टीम ने 8 ओवर में 8 विकेट खोते हुए 59 रन का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में निमड़ी टीम ने 3 गेंद शेष रहते हुए 60 रन बनाकर विजेता रही। दूसरा मैच काफी रोमांचक रहा। दूसरा मैच वाना और कलवल के बीच खेला गया, जिसमें वाना टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 77 रन बनाए। कलवल की टीम ने मैच की अंतिम गेंद तक 77 रन बना लिया और मैच सुपर ओवर की ओर चल पड़ा। सुपर ओवर में कलवल की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 17 रन बनाए। वाना की टीम 15 रन पर ही रुक गई और जीत कलवल के नाम हो गई। तीसरे मैच में रुंडेड़ा ने बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवरों में 72 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कलवल टीम ने मात्र 5 ओवर में जीत हासिल कर ली। रविवार को देर शाम अंतिम मैच खरसाण और वाना के बीच खेला गया।